के सबसे अमीर व टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर को खरीदा है और अब उनकी नज़र इस लोकप्रिय सोशल साइट से कमाई पर है। उन्होंने एक ट्वीट करके बताया है कि किन यूजर से वो पैसा लेना चाहते हैं। ट्विटर का सशुल्क करने का इरादा नया नहीं है, अभी भी इसकी प्रीमियम सेवा यानी कि ट्विटर ब्लू के लिए पैसा लिया जाता है। मस्क ने अपने ट्वीट में संकेत दिया है कि ट्विटर के व्यावसायिक व सरकारी यूजर्स के लिए मामूली शुल्क तय किया जा सकता है, लेकिन कैजुअल यूजर्स के लिए ये पहले की तरह मुफ्त रहेगा। ट्विटर में फीस आधारित सेवाएं कोई नया ऐलान नहीं है, वर्तमान में दी जा रही ट्विटर ब्लू सेवा भी फीस आधारित है। मामूली मासिक शुल्क के आधार पर ये ट्विटर के खास फीचर व ऐप की सुविधा इसकी सदस्यता लेने वालों को प्रदान की जाती है। हालांकि ये सुविधा अभी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही उपलब्ध है। दुनिया भर में सरकारी व व्यावसायिक यूजर्स का भी बड़ा वर्ग है जो ट्विटर का इस्तेमाल करता है, वो शुल्क लगाए जाने से प्रभावित होगा। मस्क ने बीते दिनों $44 अरब में इस सोशल साइट को खरीदा है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मस्क अब ट्विटर में बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें से सबसे अहम बदलाव का संकेत मंगलवार को उन्होंने सरकारी और व्यावसायिक लोगों के लिए शुल्क की व्यवस्था लागू करने का इरादा प्रकट करके दिया। ट्विटर को खरीदने के ऐलान के बाद एलन मस्क ने कहा था कि मुक्त अभिव्यक्ति किसी भी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ट्विटर एक डिजिटल टाउन स्क्वायर है, ये मानवता के भविष्य पर चर्चा का बड़ा मंच है।